दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार सरकार की तरफ से गौ पालने पे अर्थात गाय पालने पे 75% तक के अनुदान सब्सिडी राशि का लाभ दे रही है। इसका ऑनलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। अधिकतम राशि की बात करें तो लगभग आप 10,68,000 रुपए तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सो आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बिहार देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन करने का स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रक्रिया बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आगे से पहले हमेशा तरह आपसे रिक्वेस्ट है, पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों बिहार देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट राजहेल्प्स.इन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं तो यहां देखिए आपको सर्च बटन देखने को मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आपको इस तरह से इसको होते हैं सरकारी योजना कैटेगरी में आ जाना है और यहां पे आप देख सकते हैं बिहार देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना। अगर आपको सरकारी योजना कैटेगरी में देखने को नहीं मिलता है तो सर्च बटन पर इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बिहार देसी गौ पालन, इस तरह से लिख के आपको सर्च कर देना। पहले नंबर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको इस आर्टिकल के पूरे विस्तार से पढ़ लेना है। इस आर्टिकल में अपने भाषा में सरल शब्दों में स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रक्रिया बताया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वो 1 अगस्त 2023 से ही शुरू कर दिया गया और इनका अंतिम आवेदन करने की तिथि 1 सितंबर 2023 तक रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आवेदन एवं दस्तावेज से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार पूर्वक बताया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़ के आवेदन की पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आप देखिए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन या लॉगिन। तो सर्वप्रथम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन पर इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेंट का जिनके नाम से आवेदन करना चाह रहे हैं उनका नाम लिखना है, यहाँ पे उनके पिता या पति का नाम लिखना है। तो अगर महिला के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उनके पति का नाम लिखना है। उसके बाद आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है, यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। जो भी डिटेल आप यहाँ पे दर्ज करेंगे आप अपने आधार अनुसार दर्ज करेंगे। यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना पंचायत का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पंचायत का नाम है। उसके बाद यहाँ से आपको विलेज का नाम सिलेक्ट करना है और जो भी आपका 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक करें आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करें दोस्तों इस तरह से आपका यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर बन जाएगा और आपको इस तरह से यहाँ पे पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। अब यही यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको लॉगिन बटन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो आपको मैसेज के माध्यम से पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड आपको देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है और साइन इन टू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। साइन इन टू अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करें इस तरह से आप साइन इन अर्थात लॉग इन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना 2023-24 दो दुधारू मवेशी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, चार दुधारू मवेशी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, 15 दुधारू मवेशी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, अगर आप 20 दुधारू मवेशी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। मैं इस वीडियो में सिर्फ 2 दुधारू मवेशी का आवेदन करना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह से 2 दुधारू मवेशी पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे कुछ आपको फोटो देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो पेज रिफ्रेश होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिल जाएगा, उन्हें आप पूरे बारीकी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा 2 दुधारू मवेशी का आवेदन के लिए, यहाँ क्लिक करें, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए प्री रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट से जुड़ी कुछ जानकारी देखने को मिलेगा जिन्हें आपको एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़ लेना है। सबसे पहले यहाँ देखिए नीड ए वैलिड आधार नंबर दर्ज करना होगा, उसके बाद नीड ए वैलिड मोबाइल नंबर ओटीपी दर्ज करना होगा, उसके बाद यहाँ देखिए नीड ए क्लीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, ऑल फोटो डॉक्यूमेंट्स मोस्ट बी लेस्टेड देन 1 MB, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 1 MB से कम ही रखना है और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसको आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, यहाँ देखिए आपको एक शपथ पत्र देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको ये शपथ पत्र पे इस तरह से क्लिक करना है।
जैसे आप शपथ पत्र पे क्लिक करें यहाँ पे आपको शपथ पत्र देखने को मिल जाएगा। इनमें जो भी जानकारी आपसे मांगा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो सो नाम लिखना होगा जिनके नाम से आवेदन करें, यहाँ पे उनके पिता या पति का नाम, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे पोस्ट का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, उसके बाद आपको इस तरह से उसको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना जिला का नाम लिख लेना है, यहाँ पे शपथकर्ता का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करा लेना है और एक पहचानकर्ता कोई भी हो उनका सिग्नेचर करा लेना। इस तरह से आपका शपथ पत्र कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया, आप इन्हें पूरे बारीकी से भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए परियोजना प्रतिवेदन दो गायों के लिए प्रपत्र दिया गया, तो आप इन्हें डाउनलोड करके इन्हें भी पूरे बारीकी से चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद दोस्तों के यहाँ पे अंत में आपको एक देखने को मिलेगा कि जिला गौ विकास पदाधिकारी का नाम एवं पद नाम सहित मोहर आपको लगवा के ये सब अपलोड करना होगा। तो ये अगर आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो हमने अपने आर्टिकल पे भी यहाँ पे पब्लिक कर रखे हैं, तो यहाँ पे आप जैसे इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिंक में देखने को मिल जाएगा परियोजना प्रतिवेदन चार गायों का प्रपत्र, और गायों का प्रपत्र में यहाँ देखिए 2, 15, 20 सभी का दिया गया, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों के यहाँ पे आपको दावा विपत्र बैंक का देखने को मिलेगा, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ पे आपको पूरे बारीकी से भर के आपको बैंक से वेरीफाई करवा लेना है, मोहर सब लगवा लेना है। तो आप इन्हें डाउनलोड करके पूरे बारीकी से पढ़ लीजिएगा, सभी जानकारी इसमें विस्तार पूर्वक दिया गया। यहाँ पे क्रय प्रतिवेदन है तो इन्हें भी आप डाउनलोड करके पूरे बारीकी से पढ़ लीजिए और जो भी इसमें जानकारी आपसे मांगा जा रहा है उन्हें आपको पूरे बारीकी से भर लेना है। सभी जानकारी भरने के बाद यहाँ देखिए अंत में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, दो दुधारू मवेशी का आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ देखिए कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा और कुछ जानकारी आपको खुद से भरना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना थाना का नाम लिखना है, यहाँ पे पोस्ट या डाकघर का नाम लिखना है, उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है, उसके बाद यहाँ से आपको शैक्षणिक योग्यता बताना होगा। अगर आप मैट्रिक से कम पढ़े लिखे हैं तो नॉन मैट्रिक पे क्लिक करना है, अगर आप मैट्रिक पढ़े हैं तो मैट्रिक पे क्लिक कीजिए। आप अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैं इस तरह से मैट्रिक पे क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ से आपको वर्ग बताना होगा, जैसे अगर आप जेंडर से आते हैं तो जेंडर पे क्लिक कीजिए, एससी से आते हैं तो एससी पे क्लिक कीजिए, एसटी से आते हैं तो एसटी पे क्लिक कीजिए, और ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो ईबीसी पे क्लिक कर दीजिए, मैं इस तरह से ईबीसी पे क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैसा बता देना है कि आपका क्या पैसा है, और यहाँ देखिए वर्तमान में आवेदक के पास मवेशियों की संख्या कितना है, जितना भी होगा वो आपको यहाँ पे बता देना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 है तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, भैंस कितना है, अगर मान लीजिए भैंस 0 है तो 0 लिखना है, अगर 1 भैंस है तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बाछी कितना है, अगर बाछी 1 रखे हैं तो टोटल 2 हो गया, क्योंकि इस वीडियो में आपको 2 का आवेदन बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 1 लिख लेना है। जितना भी आपके पास मवेशी है, जो मवेशी नहीं है उसमें आपको 0 लिख लेना है। उसको आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में आवेदक के पास कुल उत्पादित दूध का मात्रा कितने लीटर में हो रहा है, अभी के समय में जितने भी लीटर में आप दूध निकाल रहे हैं वो आपको यहाँ पे लीटर बता देना है। वर्तमान में उत्पादित दूध के लिए उपलब्ध बाजार का नाम, कहाँ पे वो दूध को सेल करते हैं बेचते हैं वो उस बाजार का नाम लिख लेना। आवेदक या आवेदक के परिवार का उपलब्ध जमीन का रकबा डिसिमिल में, यानी कि जो आप ये देसी गाय पाल रहे हैं जो भी जमीन पे उस जमीन का क्या रकबा है वो डिसिमिल में आपको यहाँ पे बताना होगा। और यहाँ देखिए हरा चारा उगाने हेतु कृषि योग्य उपलब्ध जमीन एकड़ में आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद आपको इस तरह से स्कोर करना है। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि सिंचाई का साधन क्या है, जो भी साधन यहाँ पे आपको लिख लेना है। यहाँ पे देखिए आवेदक उत्तर हाँ या नहीं में आपको यहाँ पे आंसर देना होगा। डेयरी से संबंधित विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, अगर किए हैं तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, नहीं किए तो नहीं पे। दूध की सीमित का सदस्य क्या है, अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या आप जीविका का सदस्य है, अगर है तो हाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देना है। अब दूसरी के यहाँ पे स्व लागत, अगर आप खुद के लागत से यहाँ पे देसी गौ पालन कर रहे हैं तो स्व लागत पे क्लिक रहने देना है। यहाँ देखिए स्व लागत के लिए बैंक का नाम, तो जो भी बैंक में आपका खाता खुला हो उस बैंक के नाम पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। उस बैंक के ब्रांच का क्या नाम है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ उस बैंक का आईएफएससी कोड क्या है वो कोड यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ देखिए स्व लागत के लिए बैंक का खाता संख्या, यहाँ पे आपको खाता संख्या लिख लेना है। और यहाँ देखिए खाता में जमा राशि, तो यहाँ पे खाता में जितने जमा राशि है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। और उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करें दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए मतदाता फोटो पहचान पत्र या आधार कार्ड या आवासीय प्रमाण पत्र, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ देखिए स्वहस्तारित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिंपली आपको चूज फाइल पे इस तरह से क्लिक करना है और जहाँ भी आपका स्कैन कॉपी होगा वो आपको अपलोड कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे दूसरे आपसे पूछा जा रहा है कि जमीन संबंधित रसीद की छाया प्रति, यानी कि आपको वर्तमान वाले जमीन की रसीद अपलोड करना है। उसके लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहां भी आपके जमीन का रसीद है वो आपको अपलोड कर लेना है। अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको शपथ पत्र के लिए बारे में बोले हैं, तो वो शपथ पत्र आपको जो है पूरे बारीकी से भर के स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो उसके लिए सिंपली आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद वो शपथ पत्र आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद दूसरे के यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि स्व लागत योजना हेतु बैंक डाकघर में पूर्ण राशि उपलब्ध के संबंध में पासबुक की छाया प्रति, तो आपको अपने पासबुक का जो छाया प्रति आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। आवेदक का फोटो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करके आप आवेदक का फोटो अपलोड कर लीजिए और यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा आवेदक का। तो चूज फाइल पे इस तरह से क्लिक कीजिए, जहां भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आप अपलोड कर लीजिए और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें आपका सभी दस्तावेज अपलोड हो जाएगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे उनका आपका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। सारे प्रीव्यू में आपको सभी जानकारी पूरे विस्तार से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको अंत में फाइनल सबमिट विकल्प पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट विकल्प पे क्लिक करें आपका सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। अंत में आपको एक रिसीविंग प्राप्त होगा, उन रिसीविंग को पीडीएफ में डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेना है और एक छाया प्रति आपको प्रिंट करके निकाल लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे ही आप देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सरकार से अधिकतम 75% तक की अनुदान सब्सिडी राशि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।